दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दियां चोणां काफी नेड़े ने, पर इस तो पहला ही श्रोमणी अकाली दल कसूता फसदा विखाई दिंदा है। श्रोमणी अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है या फिर एक धार्मिक संस्था? इस नूं लैके कई सवाल खड़े हो रहे ने अते मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जिसका खुलासा सीनियर वकील अते साबका विधायक HS फूलका ने किया। फूलका ने सिर्फ श्रोमणी अकाली दल का ही खुलासा नहीं किया, इस दे नाल नाल दिल्ली दी आम आदमी पार्टी नू भी लपेटे विच लिया है। की है पूरा मामला, सुनो HS फूलका दे ही मुंहों। जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इलेक्शन अप्रैल दे विच ड्यू आ ते इलेक्शन हुण होणे आ, ते जिहड़ा मसला बड़ी देर तो आपां कोशिश कर रहे हैं कि साडे गुरुद्वारां दा प्रबंध एक धार्मिक बंदियां दे हत्थ च होवे ते इह पोलिटिकल बंदियां तों गुरुद्वारियां नूं छड़ाया जावे, उह कोशिश इत्थे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे चोणां दे विच वी जारी आ। दिल्ली जो एक्ट है ते रूल है उहदे मुताबक सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी ही इत्थे गुरुद्वारे दे इलैक्शन लड़ सकती है, बल्कि धार्मिक पार्टी ही लड़ सकती है, पोलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। पर एक कानून होने के बावजूद भी श्रोमणी अकाली दल जो एक बिल्कुल पूरी पोलिटिकल पार्टी है, वो ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के इलैक्शन लड़ते भी आ, तो काफ़ी देर तो इतने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के उत्ते उन्हों का कब्जा भी आ। हुण एक हाई कोर्ट के विच एक रिट फाइल हुई है कि जो श्रोमणी अकाली दल ये बादल ग्रुप आ जो भी ये एक पोलिटिकल पार्टी है, धार्मिक पार्टी नहीं है, तो इन्हों इलेक्शन लड़न की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो दिल्ली सरकार ने किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि इतने जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन दिल्ली सरकार ने कराने होंगे, दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी जी सरकार एक पोर्टफोलियो एक मंत्री भी है जिदे गुरुद्वारा इलेक्शन का पोर्टफोलियो है, वह मंत्री भी है एक इन्हों के। तो यह जो डायरेक्टर गुरुद्वारा इलेक्शन है दिल्ली सरकार के अंडर होंगे और दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी सरकार इन्होंने इलेक्शन करवाई। हूँ जो एक केस पेंडिंग आ पिछे जो भी मैं तुम्हें ये बारे जानकारी दी सी, हूँ 19 मार्च में लग्या वा, 19 मार्च में ये फाइनल सुनवाई होनी है। उहदे विच बड़े एक हैरानी की गल आ, बड़े अफसोस की गल आ, दिल्ली सरकार ने जो उहदे च स्टैंड लिया कि जो श्रोमणी अकाली दल है, जो सुखबीर सिंह बादल का श्रोमणी अकाली दल है, वो एक धार्मिक पार्टी है, बल्कि बड़ा हैरान करने वाला स्टैंड है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट उसनों कह रही है कोई एक धार्मिक पार्टी आ ते उन्हां नूं इलेक्शन लड़न का हक आ। ये जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पिछले इलेक्शन से उहदे च जो टिकटां दित्तियां भी सुखबीर सिंह बादल ने अपने दस्तखत के अंडर दित्तियां, तो इहदे च बिल्कुल कोई शक नहीं, हर एक नूं पता कि एक श्रोमणी अकाली दल एक पोलीटिकल पार्टी है। तो उस टाइम सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जदों इन्हां ने वो टिकटां साइन करके दित्तियां, उहदे बावजूद भी ये दिल्ली सरकार आके हाईकोर्ट नूं यह कह रही है कि श्रोमणी अकाली दल तां एक धार्मिक पार्टी है, जदों कि मेरी जो इनफॉर्मेशन के मुताबिक एक भी जगह के उत्ते श्रोमणी अकाली दल ने अपने आप को धार्मिक पार्टी क्लेम करके नहीं दिता। दिल्ली सरकार को की चाहिए कि जो श्रोमणी अकाली दल का प्रधान उन्हें कह के एफिडेविट से लिख के दे कि असी एक धार्मिक पार्टी हाँ। उधर इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि सैकुलर पार्टी हाँ, एक सैकुलर पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन च रजिस्टर आ, असैम्बली के इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लीमेंट के इलेक्शन लड़ते हैं, तो इधर उइयो पार्टी इत्थे कह के असी एक धार्मिक पार्टी हाँ। तो ये दिल्ली जदों के दिल्ली सरकार को चाहिए सी कि सुखबीर सिंह बादल नूं कहन एक एफीडेविट दे, जे सुखबीर सिंह बादल ने एफीडेविट दे कि असी धार्मिक पार्टी हाँ, उन्हें इलेक्शन कमीशन भेजना चाहिए इसे टाइम के उत्ते कि धोखा कर रहा, दोनों पासे धोखा कर रहा। पर मेरी जो इनफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुखबीर सिंह बादल ने कितने भी लिख के नहीं दिता दिल्ली सरकार को कि असी धार्मिक पार्टी हाँ। दिल्ली सरकार अपने आप ही स्टैंड ले रही है और हाईकोर्ट के अगे आगू कर रही है, हाईकोर्ट में कह रही है नहीं जी श्रोमणी अकाली दल तो एक धार्मिक पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल तो इलेक्शन लड़न की पूरी उन्होंने हक बनता तो पूरी इजाजत आ। बल्कि बड़ा ही ये हैरान करने वाला है कि यह दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी की सरकार
ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ? ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ।